तूने जो ना कहा मैं बस इंतजार रहा काम खाम तुम्हें खाते हैं खाते हैं तुम्हें लाइव है हेलो 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 पीपल वेरी गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अरे वेरी गुड मॉर्निंग अजी सस्त्रेकाल कैसे हैं आप लोग आ जाते हैं आ जाते हैं अजी जल्दी क्या है अजी शस्त्रकाल जी कैसे हैं आप अजी शस्त्रकाल <laughs> बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं हम अगले श्वेता ना बन जाएं? बहुत ध्यान रखना पड़ता है सही कह रहे हैं कहीं हम अगले श्वेता ना बन जाएं? <laughs> अरे यार क्या बात है क्या बात है क्या बात है याद पिया लगी हेलो 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 कैसे हैं आप लोग अजी कैसे हैं आप लोग पूरे आनंद में है ना यारो चलो 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 अजी कैसे हैं अरे कैसे है यारों यारो कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो, हो, हो। कहा जाएंगे यहीं आएंगे ना यारो हाउ यू ऑल हाउ आर यू ऑल कैसे यारो चलिए सबसे बड़े यारो पहले कान पकड़ के माफी आरो कल थोड़ा सा ग्रुप पे गुस्सा कर दिया था मैं ठीक है तो वो सब नहीं होगा गुस्सा नहीं करना पसंद सूट नहीं करता अपन अपन को साइड में रहेंगे ठीक है आप लोग मजे करो आराम से ठीक है चलो और एक तो दो ग्रुप है ना प्रोफेशनल्स के भाई साहब दोनों एकदम अलग टाइप के लोग हैं दोनों एकदम ये अलग टाइप के लोग हैं मैं सही कह रहा हूँ एक ग्रुप पे कल एकदम ऐसा इंटेंस डिस्कशन चल रहा है पता ये कैसे होगा वो कैसे होगा भाई साहब हमारे ऐप डाउनलोड नहीं हो रहे अरे भाई साहब अकेडमी सब करेगा अकेडमी सब कुछ करेगा ट ग्रुप फॉर स्टूडेंटर लाइव बैच के एप में जाएगा उनको बताया जाएगा कैसे यूज करना है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सब कुछ होगा यू जस्ट चिल्डन रिलेक्स में दो ग्रुप है तो एक ग्रुप के बच्चे तो बड़े भावुक मतलब सब बच्चे नहीं कुछ बच्चे भाक चल रहा था ग्रुप है और दूसरे ग्रुप के बच्चे भाई साहब मुझे दूसरे ग्रुप के बच्चे तो छह लोग मिले नहीं उनके पिछले जो बैच टू वाला ग्रुप है जो दूसरा ग्रुप है भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ उसके पिछले चालीस अगर आप देखोगे क्या बताया यहाँ पे लखनऊ से कोई है क्या यहाँ पे बिहार से कोई है क्या यहाँ पे मुंबई से कोई है क्या यहाँ पे जम्मू से कोई है क्या यहाँ पे दिल्ली से कोई है क्या भाई साहब यही चल रहा है उस ग्रुप पे उस ग्रुप पे भाई साहब लोग मान ही नहीं रहे कॉलेज में आके नहीं होता है कि जब कॉलेज में एडमिशन होता है नया नया ओके और तू भी पंजाब से मैं पंजाब से भाई भाई अपन साथ में बैठेंगे भाई साहब अलग ही माहौल चल रहा है उस ग्रुप पे यही नहीं यही नहीं मतलब अब जब बात होती है ना आई डोंट डोंबर जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तब लोग दिल्ली के मिल गए चार पांच दिल्ली के चार पांच लोग मिल गए तो अब और क्या बात कर रहे हैं

मैं वैसे चाहूंगा कि कल मैंने जो गुस्सा किया था एक उसके लिए मैं माफी चाहूंगा ठीक है और घर मैं मैं like में, में दादाजी होते हैं पिताजी और एक चाचा होते हैं अपने चाचा होते हैं अपने भैया होते हैं उनके साथ में मजे करते हैं सारे अपने चाचा टाइप होता है कोई कि जो भी मजे करने उनके साथ में यार यार पापा तो डांटते हैं यार दादाजी तो डांटते हैं यार ये लोग तो ऐसा करते हैं तो मैं वो भैया और चाचा बनना पसंद करूंगा यार ठीक है ना तो आई पर्सन

चलो पहले एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूं उसके बाद में लेक्चर स्टार्ट करता हूं मैं ठीक है इंस्ट्रक्शन इतनी सी हूं दैट टुडे सैटरडे ये हमारा यूट्यूब का लास्ट सेशन हो जाएगा यूट्यूब पे लास्ट सेशन हो जाएगा तो ये सब बच्चों ने मतलब ऐसा यूट्यूब के चार जो सेशन थे वो लास्ट होगा इसके बाद में आप समझिए संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे मेरे एमसीएस के कोई सेशंस नहीं होने वाले हैं MCS के प्रॉपर बैचेस स्टार्ट होंगे थर्सडे पे थर्सडे से थर्सडे तक अकेडमी आपको सब चीजें कर भी देगी सब चीजें कर देगी मतलब आपको लाइव बैच में एड भी हो जाओगे ठीक है जो हमारे लाइव ऐप है जो बच्चों ने लाइव लेक्चर्स के लिए ऑप्ट किया ऑनलाइन लाइव लाइव के लिए वो ऐप में ऐड हो जाएंगे ठीक है जो गूगल ड्राइव वाले बच्चे हैं उन सबको मेल भी पहुंच जाएंगे तो ये सब थर्सडे तक सब चीजें सॉर्टेड हो जाएगी कि जिन जिन बच्चों ने गूगल ड्राइव ऑप्ट किया है उन बच्चों को मेल पहुंच जाएगा बहुत सारे बच्चों को तो पहुंच भी गया होगा ऐसी मेरी उम्मीद है और जिनको पहुंच जाएगा थर्सडे तक सबको मेल पहुंच जाएगा जिन जिन बच्चों ने आज शाम के पहले सैटरडे के तक ऑर्डर किए उन सबको थर्सडे तक सबको मिल चले जाएगा थर्सडे से क्या चालू चालू होगा ऑनलाइन लाइव ऐप पे हमारे बैचेस हो जाएंगे ठीक है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर कर देगी तब तक ठीक है बुक्स की डिस्पैचिंग कब होगी मैंने अभी तक नहीं बोला डिसंबर के बच्चों की बुक्स की डिस्पैचिंग कब होगी मैं बताऊंगा आपको एक्जैक्टली तब तक के लिए मैंने आपको जो सॉफ्ट कॉपी नोट दी उससे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है और थर्सडे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारे लाइव एप्लीकेशन पे लेक्चर्स जिन बच्चों ने ड्राइव लिंक लेक्चर्स लिए उन बच्चों के लिए क्या होगा और फिर अपलोड करता ठीक है तो ये ओके? 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 तो हमारा आखिरी सेशन है राइट फिर हम थर्सडे से मिलूंगा जिन्होंने लाइव ऑप किया ऑनलाइन लाइव के पे बाकी बच्चों को गूगल ड्राइव पे मिलूंगा अरे मिलेंगे तो मैं कहूँ गूगल ड्राइव वाले बच्चों की तुम क्या पहन के बैठते हो सब पता है मेरे को सब पता है मेरे को ठीक है ना तो भाई सब एकदम ईमानदारी से लेक्चर्स पढ़ेंगे आपको यह आश्वासन दिलाता हूं मैं कि से ना तो कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी मतलब तो अनाउंसमेंट है आई थिंक एवरीथिंग राइट चलो तो तो ये हो गया और बाकी कुछ और अगर हमारी तरफ से अनाउंसमेंट रहेंगे तो आपको आपके ग्रुप्स में मिल जाएंगे ठीक है उसके अलावा कोई भी अनाउंसमेंट होंगे तो आपको आपके ग्रुप्स पे मिलते रहेंगे ठीक है डिस्पैचिंग को लेकर आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे चेंजेस बताने होते हैं तो इंस्टीट्यूट अभी चेंजेस बता है मतलब फॉर दैट मैटर कल उन्होंने कुछ चेंजेस बताए फॉर जून अटेम्प्ट ऑल्स

हर सब्जेक्ट के बारे में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देंगे मैं आपको एमसीएस के बारे में बता रहा हूँ ठीक है बाकी सब सब्जेक्ट के बारे में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देंगे आज और कल में एक और इंटेंशन भी ऐसा कि आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन चल रहा है ना वो आप संडे मंडे ट्यूजडे तक खत्म कर लो ताकि वेंसडे को एक बुक खरीदी श्री गणेशान लिखा और थर्सडे से पढ़ाई शुरू तो जो भी आपके सवाल है जो भी आपके दिमाग में था ना ट्रेनिंग ये सब जो भी चीजें उन सबको इस समय में रैपअप करके

श yes, पूछ रहे पेन ड्राइव अवेलेबल है क्या यश पेन ड्राइव इज अवेलेबल फॉर जून ट्वेंटी स्टूडेंट डिसंबर ट्वेंटी वन के लिए पेन ड्राइव नहीं है उसका रीजन है कि हम चाहते हैं कि आप पेन ड्राइव लोगे तो बैच कंप्लीट होने के बाद मिलेगा ना आपको गूगल ड्राइव में कैसा है कि जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स होते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे ओके okay? हेतल पूछ रहे यस हाफ आवर के आचर्स होंगे मेरे इवेंचुअली मतलब मैं अभी 45 फाइव फोर्टी फाइव के सेशन ले रहा हूं। इसको मैं बड़ा बड़ा हाफ के करूंगा तो धीरे धीरे बढ़ाऊंगा लेक्चर्स होंगे रविशा पूछ रहे लेक्चर लाइव का लिया है दो सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड लिए तो कैसे होगा कोई परेशानी नहीं रविशा तो जो दो लेक्चर्स के आपने गूगल ड्राइव लिए आपको मेल आ जाएंगे और जो एक ऑनलाइन लाइव लिया है उसके आपके अकेडमी आपको कम्युनिकेट कर लेगी संडे मंडे इट इजी एनी कंफ्यूजन एकदम चिल करके आगे बढ़ो और कुछ इशू होता है, तो yes, yes, yes. है तो ना यूट्यूब पे ट्वेंटी सेकंड का लैग होता है मतलब आप लोग जब ये मैसेज भेजते हैं मुझे आने में बीस सेकंड लगते तो आपको लगता होगा गैप है राइट यूट्यूबी सेकंड का गैप होता है ऑनलाइन लाइव का जो अपना उसमें एक सेकंड का भी लैग नहीं है मतलब टपैक करके मिलता है ऐसा तो उसमें क्या बैच की स्पीड अच्छी बन जाती है सर टाइमिंग विल बी सेम श्रद्धा नहीं टाइमिंग विल बी कम्युनिकेटेड ऑन ग्रुप जो टाइमिंग होगा आपको ग्रुप पे कम्युनिकेट किया जाएगा ओके okay? चलिए तो मुझे लगता है कि आपके सवाल खत्म हो चुके हैं तो आज का सेशन शुरू क्या या फिर कुछ और सवाल है कुछ सवाल है क्या देवांग ग्रुप पे आएगा एमसी अरे हाँ एमसीएस के जो क्लासेस होंगे ना आपके वो होंगे मंडे टू सैटरडे मंडे टू फ्राइडे मसीएस के जो क्लासेस होंगे मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे को लेक्चर्स नहीं होंगे हाँ मैं कभी एक्स्ट्रा सेशन ले सकता हूं मैं एक्स्ट्रा सेशन ले सकता हूं बट एमसीएस के जो रेगुलर बैच चालू होगा वो होगा मंडे टू फ्राइडे एमसीएस का रेगुलर बैच होगा मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे आपके लेक्चर्स नहीं होंगे एमसीएस के सिलेबस so, आपका अप्रैल एंड में सॉरी मे एंड में कंप्लीट हो जाएगा हंड्रेड एक्स्ट्रा सेशन लेना होगा तो मैं अनाउंस करके लूंगा अदरवाइज आपका सैटरडे संडे एमसीएस प्रोफेशनल में आ गया कोई सवाल है क्या यहां पे पूछ लो आप आराम से टाइमिंग्स आपके ग्रुप पे अनाउंस हो जाएंगे और अगर सुनो संडे को मैं एक्स्ट्रा सेशन ले सकता मैंने पहले ही बताया ये मत कि अरे नहीं सर ले सकते आपका द द वे आई हैव प्लान सिलेबस इट विल बी मंडे टू फ्राइडे फॉर थ्री मंथ्स मस्ती में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मुझे कभी एक्स्ट्रा सेशन लेना जैसे कि मुझे आपके तीन सेशन में लेता हूँ थ्री थ्री आवर्स के थ्री थ्री वाले सेशन आते हैं तो वो मैं संडे को लेता हूं really 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 sorry, I'm really sorry, I'm really sorry. Academy has पे बात कर लीजिए मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से आपने एक बार एक में करा फिर आप नहीं कर सकते बट आप एक बार academy office पे बात कर सकते हैं मेरी knowledge के हिसाब से आप switch नहीं कर सकते स्टार्टिंग में पांच अरे हाँ कदों तो ने राजा वीडियो वा दिखा होगा में पांच subjects ही होंगे आपके पांच subjects online live में चल रहा है झील हर एक particular teacher आपको announce करेंगे

लता व्हाट्सएप ग्रुप फोल हो चुका है लता लेक्चर वन लेक्चर टू जो यूट्यूब में चाहिए आपको दो ग्रुप के लिंक मिलेंगे दूसरे को ऐड कर लीजिए इज इज दैट ओके एनी क्वेश्चन या फिर मैं थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई शुरू कर इज इज एनी एनी क्वेश्चन क्वेश्चन पीपल कोई भी सवाल हो तो पूछ लो आप मुझसे अभी है ना कोई जल्दबाजी है आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो अरे चलो सुनो सुनो बेटा जी व्हाट्सएप ग्रुप मैं इस लेक्चर के एंड के बाद में एंड होने के बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में भी एक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा पूछ रहे हैं एमसीएस कब खत्म होगा मे एंड मे एंड में एमसीएस खत्म होगा ठीक है मे एंड में एमसीएस खत्म होगा मैं आपको एक आइडिया देता हूं फिर भी आपके मेरे मॉड्यूल थ्री के सब्जेक्ट्स के एग्जैक्टली exactly. कैसा होने वाला है अभी चलेगा मार्च अप्रैल मे यहां पे आपका होगा एमसीएस क्लियर है उसके बाद में चलेगा आपका जून जुलाई अगस्त यहां पे आपका चलेगा फंडिंग और आईबीसी सेकेंड हाफ ऑफ जून में फंडिंग स्टार्ट होगा सेकंड हाफ ऑफ जून में स्टार्ट होगा फंडिंग फंडिंग और आईबीसी एमसीएस तो हो रहा है आपका ऑनलाइन लाइव में और बहुत सारे बच्चे गूगल ड्राइव इसका लेके देख रहे हैं अपकमिंग बैच फंडिंग आईबीसी ऑनलाइन लाइव में नहीं होगा वो होगा फेस टू फेस में और उसका आप गूगल ड्राइव भी ले सकते हैं दिस इज द प्लान राइट नाउ आई गेस आई हैव कम्युनिकेटेड एवरीथिंग वेरी क्लियरली गेस कम्युनिकटेड एवरीथिंग वेरी क्लियरली दिव्या पूछ रहे हैं झील पूछे नोट्स का डिस्पैच अप्रॉक्सम होगा फिफ्टी मार्च मैंने आपको बताया देखो जून अटैम्प्ट का अगर कोई बालक है तो पहले तो लेक्चर उनके लिए नहीं है लेकिन जून अटैम्प्ट के बालकों को तो इमीडिएटली डिस्पैच हो जाएगा क्योंकि उनके तो बुक्स रेडी है ना उनके सब कुछ रेडी है जो डिसंबर अटैप्ट के बच्चे है ना उन बच्चों को डिस्पैचिंग में थोड़ा सा लेट होगा बिकॉज अभी बुक्स रेडी हो रहे हैं डिसंबर के आईसीएसआई अभी रिवाइस बुक दे रहा है

सिनेरियो आपको वीकेंड पे मिलेंगे लेक्चर्स सिनेरियो कि मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लेक्चर हुए और सैटरडे को या संडे को आपको पूरे हफ्ते के लेक्चर्स मिल जाएंगे तो आप भी हमारे साथ साथ देख सकते हैं लेक्चर्स क्लियर है आप भी हमारे साथ साथ देख सकते हैं लेक्चर्स जो बच्चे गूगल ड्राइव वाले ना उनके लिए मैं सेपरेटली लाइव भी आऊंगा मतलब फिर क्या होगा मैं यूट्यूब लाइव आऊंगा और लिंक उस ग्रुप पर भेजूंगा ऐसे ही पूछने के लिए, के लिए कभी कैसे हो कैसी चल रही है पढ़ाई क्लियर वो अलग हो गया लिंक वालों को क्लास कैसे प्रोवाइड होगा आएगी सब आपको मेल आ जाता है उसमें सब कुछ लिखा होता है ध्वनित वो प्लान अपन अलग से करेंगे है ना अभी कंफ्यूज नहीं करते अभी बिगिनिंग की बात करते हैं यस ईशान यस ईशान यस ईशान हंड्रेड परसेंट सनशाइन आपको मेल आ गया है ना थ्री सब्जेक्ट्स का Uh, मेरे तीनों सब्जेक्ट अगर आपको मेल आ गया है तो आप उसके अंदर इंट्रोडक्शन में जाइए ठीक है इंट्रोडक्शन में मैंने एक पांच मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करके डाला है। उसमें मैंने किया है कि आपको कब कब लेक्चर्स मिलने वाले है तो जिन बच्चों को गूगल का लिंक आ चुका है ना उसमें देख लो एक और गदों ये अपना नाम सही से रखो सर आपके दूसरे दो सब्जेक्ट फेस टू फेस होंगे तो अपलोड होंगे क्या गूगल ड्राइव पे सेम जो फेस टू फेस होगा उसमें भी सेम रूल होगा आपका डेली uh, ही कोशिश रहेगी अदरवाइज वीकेंड पे तो हुई जाएगा तो जो मंडे से फ्राइडे हमने पढ़ाया वो सैटरडे संडे में आपको लेक्चर्स लेक्चर टू आर्स ट्वेंटी आवर्स जाता है और टू आवर्स का एक लेक्चर होता है क्लासरूम था अरे सबको प्रतेश यही तो सबको तो सब समझा रहा था सब समझते नहीं है

आई वुड रियली प्रेफर फेस टू फेस बैच मैं आपको एक और बार बताता हूं फेस टू फेस बैच की रिकॉर्डिंग देखोगे ना पागल हो जाओगे मतलब फेस टू फेस बैच में क्या होता है आई मूव इन द क्लास मैं इधर उधर जाता है हर तरफ करता है बच्चों से बात करता है उसका एक अलग मजा आएगा और मैं आपको कह रहा हूं आप दीवाने नहीं हो जाओ तो फेस टू फेस क्लास जब फेस टू फेस की रिकॉर्डिंग होगी ना उसमें अलग मजा आएगा और इस बार तो मैं अलग ही प्लान कर रहा है ऐसे नहीं होते इंटरव्यूज में दो कैमरेज लगे होते हैं अपन इधर देखते हैं तो ये कैमरा इधर देखते हैं कैमरा अरे मैं आपको इस बार की रिकॉर्डिंग में आप पागल हो जाओगे फेस टू फेस की रिकॉर्डिंग आई वो डिफरेंट प्लान ऑल टुगेदर अरे मजा आ जाएगा इस बार की फेस टू फेस रिकॉर्डिंग में देखो तो सही आप ठीक है? चलो मिताली का सजेशन है कि टेलीग्राम पे बना लें अरे बच्चे बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे कंफर्टेबल नहीं होते मुझे ऐसा लगता है अगर सब बच्चे टेलीग्राम पे कंफर्टेबल होते तो टेलीग्राम पे बना लेंगे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा कंफर्टेबल होता है इसलिए अभी तीसरा ग्रुप बन जाएगा प्रोफेशनल ग्रुप बताओ सर कौन सी सब्जी बनो गो आज के बना ग आप तो मेरी बातों को सीरियसली ले लेते हो सर हर रोज कोट पहनोगे क्या <laughs> अरे गधों ब्लेजर की कहता है यार आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखो ना तो कभी भी किसी भी लेक्चर में ऐसे ब्लेजर नहीं पहनता था और वहीं आप पिछले एक साल के मेरे लेक्चर्स देखोगे ना तो इनिशियल फ्यू लेक्चर्स में मैं ब्लेजर पहनता हूँ तो जीवन में देखो कुछ बदलाव हुआ है कुछ समय पहले ये आप अभी नहीं समझोगे कैसा होता है यारो आपको समझना होगा कि शादी के बाद आपका हर डिसीजन आपका नहीं होता है ठीक है तो बस समझदार को इशारा काफी है अब आगे बढ़ता हूं कनक यू डोंट हैव टू वरी आपको सब परफेक्ट बुक्स मिलेगी यू डोट हैव टू वरी हंड्रेड एंड टेन परसेंट जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी ले रहे हैं ना उसमें अगर कुछ भी अमेंडमेंट आता है कुछ बच्चों को ऐसा है जिनको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है उन बच्चों ने क्या किया है कि रेदर देन टेकिंग दिस बैच का रिकॉर्डिंग इस बैच का गूगल ड्राइव तो ऑगस्ट तक जाएगा डेली बेसिस वीकली बेसिस पे भी आए तो अगस्त तक जाएगा तो कुल बच्चों ने क्या किया है अभी ही सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मेरे पिछले बैच का फंडिंग और आईबीसी का रिकॉर्डिंग ले लिया है आपने जो भी लिया है आपने फंडिंग और आईबीसी का रिकॉर्डेड बैच की रिकॉर्डिंग ली है या फिर आपने फंडिंग और आईबीसी का अपकमिंग बैच की रिकॉर्डिंग ली है आपके की पूरी जिम्मेदारी मेरी है तो इन बच्चों के लिए अमेंडमेंट लेक्चर कितना होगा मैक्सिमम वन डे का मैक्सिमम वन डे का तो डे का अमेंडमेंट लेक्चर आपके लिए ले, ले लूंगा मैं तो चिंता की कोई बात नहीं और बुक्स में फंडिंग आईबीसी में नेग्लिजिबल डिफरेंस है कोई डिफरेंस ही नहीं है आप

तो आप कहीं से भी किसी भी प्रोडक्ट में आप एनरोल किए हो ना मेरी पूरी जिम्मेदारी आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी यू हैव वर्ड ओके चलो तो मुंबई आकर पढ़ाओ अरे गधो एक्साइटेड so yes, yes, बना रहना चाहिए मेरे पापा देख के बोलते हैं बड़ा स्टाइलिश टीचर है अरे नहीं यार मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि शादी के बाद हर डिसीजन एक व्यक्ति का नहीं होता तो आप समझो मेरा एक बैच था एग्जीक्यूटिव का आप में से कोई बच्चा अगर उस बैच में होगा तो फेस टू फेस लिया था साढ़े साढ़े महीने महीने का बैच था। था। मेरे को पता नहीं क्या मैंने तीन के पहले कुर्ते वही, वही, मतलब वही आठ थे ना तो रोल कर कर तो भाई मैं उस मामले में बड़ा पागल आदमी बट अब कैसा है <laughs> जीवन बदल चुका है शिव क्या कहना चाहते हो समझा नहीं अरे अभिजीत बिल्कुल <laughs> चलो सर फंडिंग और आईबीसी के लिए जून में एनरोल कर सकते ना बिल्कुल कर सकते हो झील बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है कनेक्ट बुक्स एकदम अमेंडेड है मैं आपको बुक्स में एक पेज का भी डिफरेंस नहीं है ना आप बिल्कुल चिंता मत करो मैं आपको कह रहा हूं वन पेज का भी डिफरेंस नहीं अगर कोई डिफरेंस रहेगा तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके उसका वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा हर एक बालक ने ये क्लियर रखना है क्लियर मतलब मैं समरी में बताता हूं आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया हो

ठीक है जस्ट टेल मी योर सिटी एंड स्टेट पाली राजस्थान क्या बात है अरे भाई साहब बहुत बढ़िया राजस्थान सुनकर मुझे ऐसी अलग लेवल का मजा आता है इस बार जो बच्चे मतलब बहुत सारे रैंकर्स थे एक रैंकर प्रोफेशनल्स की थी उदयपुर से थी अरे मैं क्या कह रहा हूँ इतना मजा आया मेरे को इतना मजा आया उनसे बात करके कोटा राजस्थान अरे बहुत आगे जाओगे कर्नाटका मुंबई गोरखपुर मुंबई बेंगलोर मेरठ करीमनगर अलीगढ़ पटना चलो जयपुर डेली मुंबई गुवाहाटी जलगांव पुणे बैंगलोर इंदौर मुंबई जयपुर जयपुर कॉल करा कोई बालक पूछ रहा था शायद कि चारू सुखलेचा ही इज माय कजन मेरे भैया है वो ओके okay? कोलकाता था, औरंगाबाद थाने पटना मुंबई 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 एमपी जलंधर भुवनेश्वर उड़ीसा तमिलनाडु झारखंड नाशिक मुंबई अहमदनगर उड़ीसा गोवा गोवा से कौन है भाई गोवा में पढ़ाई लिखाई करते हो वडोदरा कोटा उड़ीसा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू सो मच पीपल थैंक यू सो मच उड़ीसा अरे क्या बात है क्या बात है क्या बात अरे उज्जैन से हो जा रहा हूं जय महाकाल रांची गुवाहाटी पीओ के बोल रहा है बालक होशंगाबाद हैदराबाद वडोदरा ब्रिलियंट 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 ब्रिलियन ब्रिलियंट ब्रिलियंट अरे वन थिंग इस बार गजब चीज हो गई थी पता है दुबई का ऑर्डर आ गया था

बहुत बहुत आभार आप सबका बहुत बहुत आप लोगों का प्यार यहाँ पे मिला है आई कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना उससे बेटर क्लासेस होंगी दैट इज समथिंग आई की आपकी एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर क्लासेस होंगी I assure you that. कि जैसे आपके 100 परसेंट आप लोग यहां पर है ना मतलब आपको आपको आपके सीनियर्स ने बोला होगा तो मैं आपको ये वादा दिलाता हूं कि आपके सीनियर्स ने अगर आपको समथिंग टेन बोला होगा ना तो यू विल फील दैट इट वॉज समथिंग आई श्योर मजा आ जाएगा आपको चलो मजा आ जाएगा मतलब एग्जाम लिखने में और मार्क्स में हो सकता है बट नहीं है, मतलब वो भी पढ़ाऊंगा कोई लोड की बात नहीं बोरिंग है तो बोरिंग है ठीक है ना बट आपको एग्जाम लिखते टाइम और एग्जाम लिखने के बाद पूरा आनंद आएगा ये मैं आपको श्योर करता हूं चलो अजी श्रुति जी है यहाँ पे कैसे नहीं पहचानेंगे आपको चलो कदम चलो 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 Now, 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 now. Let's start the lecture. अब थोड़ी बात पढ़ाई की बातें कर लेते हैं यारों। चलिए। I think आपके जो भी questions थे वो सब मैंने answer कर दिए हैं। Goa में live batch करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Yes people, I guess I have answered all of your questions, all of your questions, and trust me on that. I'm not talking about myself. I'm talking about all the teachers, Soumya ma'am, Neelam sir, Saleem sir, मैं। हम चारों जी जान लगा देंगे यारों to give you the best possible experience ever.

गदो आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कम की वहां पर अब सुनो ये आपसे अपेक्षा थी मेरी कि आप खुद पढ़ेंगे बट अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली exactly अगर उस केस लॉ को पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा फोकस हंड्रेड परसेंट यहां पर करते हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है ये मैं क्यों बता रहा हूं ताकि आपको केस लॉज की इंपॉर्टेंस समझ और में और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया ना तो आप खुद फोड़ दोगे सब्जेक्ट आपको मेरी कतः जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है चलो उस केस लॉ में क्या लिखा है अगर मैं आपको बताता हूं जब जजमेंट दिया तब यह कहा गया सुनो 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 मेरी बात को केस लॉ के जजमेंट की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर जो भी ये ऐसे एफ वाले लोग हो गए या फिर कोई भी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है सेलर्स हैं अगर वो बैग के लिए चार्ज करते हैं अगर वो बैग के लिए चार्ज करते हैं तो केस लॉ में क्या बनाया गया सुनना मेरी बात को अगर केस लॉ में ये लिख देते ये लिख देते दैट फॉर बैग्स तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता ना

क्रक्स ऑफ दैट केसिस द क्रक्स ऑफ दैट केसिस क्रक्स समझते ना आप निचोड़ उस पूरे केस ने क्या सीखा निचोड़ क्या है उस केस का? सार क्या है उसके क्रक्स क्या है उसके उस केस का क्रक्स है दैट देर कैन बी टू केसेस देर कैन बी टू केसेस द फर्स्ट केस को भी सुना 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 बैग बैग मतलब रहे हो जो भी पेपर बैग दे रहे हैं या फिर वो प्लास्टिक बैग दे रहे हैं या फिर वो क्लॉथ बैग दे रहे हैं बैग हैज देर ब्रांडिंग उस बैग पे उनका ब्रांडिंग है बैग डज़ नॉट है बैग डज़ नॉट है देर ब्रांडिंग इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है आपने कुछ बैग्स देखे होंगे कुछ इस प्रकार के जो बिग बाजार के पहले आते थे बहुत बड़े बड़े पॉलिथिन के और उस सब बड़ा सा बिग बाजार लिखा होता था एक बड़े बड़े पॉलिथिन बिग बाजार लिखा हुआ था तो बैग्स हैव बैग है और कुछ आजकल वो क्या करते हैं ऐसे कपड़े की थैली दे देते हैं ठीक है या पेपर बैग दे देते हैं जिसपे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है सबसे पहले यह देखना होगा कि बैग्स पे उनकी ब्रांडिंग है या नहीं है अगर बैग्स पे उनकी ब्रांडिंग है देन दे कैन नॉट चार्ज देन दे कैन नॉट चार्ज और अगर बैग पे ब्रांडिंग नहीं है दे कैन चार्ज दिस इज द फाइनल दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ दैट केस अभी हमारे सिलेबस में नहीं अदरवाइज तो हम केस का नाम किसने बता केस, केस, केस रहे हैं लेकिन अपेक्षित थार है तो अब यहाँ पे अगर क्लियर कर देता हूँ वाई टू क्लियर इट ऑफ बिकॉज ये ना हो कि कोई बच्चा मतलब रिसर्च नहीं किया राइट right? और फिर हाफ नॉलेज डेंजरस हो जाता है तो आज क्लियर करता हूँ कोई भी चीज अगर मैं इनकम्प्लीट बताऊंगा तो मैं अपेक्षा करूंगा आप उसके बारे में देखो उस दिन अगर आप नहीं देखते तो अगले दिन उसको करूंगा क्लियर चलो बहुत बहुत आभार यारो आपका विशाल यस पीपल तो आई होप नाव यूर अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली तो अगर आप कहीं भी जाओगे तो अब देखो अब आप लोग उन लोगों ने क्या किया है अब लोग खाली कपड़े की थैली देने लग गए पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती थी पहले 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 आप लोगों ने देखा हुआ बिग बाजार की ब्रांडिंग के साथ आती थी

कोमल का कहना है कि फिर तो सब लोग विदाउट ब्रांड का ही देंगे आप समझिए उनके लिए ब्रांडिंग भी तो बहुत जरूरी है एक व्यक्ति अगर बिग बाजार की थैली लेके जाता है बाहर तो इवेंचुअली उनकी ब्रांडिंग हो रही है ना सब लोग उनको समझ में आ रहा है तो उनके लिए उनकी ब्रांडिंग भी जरूरी है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम तो अब जब ये केसेस होने लग गए और कंज्यूमर अवेयरनेस थोड़े से होने लगे कि कुछ तो लॉयर्स कहीं भी जाके से लड़ने लग गए ना इज so कि अब लोग विदाउट ब्रांडिंग देते हैं तो आप सबको याद है कि नहीं है मतलब इसका प्रूफ कैसा है आप सब अगर सोचो बिग बाजार जाते बिग बाजार की बड़ी बड़ी थैली आती थी जिसमें उनकी ब्रांडिंग हुआ करती थी है ना और अब वो बिल्कुल बंद हो गई है क्यों बंद हो गई है बिकॉज उनको पता है ना आप उसके लिए तो चार्ज नहीं कर सकते तब वो विदाउट ब्रांडिंग वाले देते हैं और उसके लिए वो चार्ज करते हैं एंड सेम गोस्ट फॉर दिस जैसे कि

तो अगर वो मान बीस रुपए लगा रहे हैं तो आप देखो अगर वो थैली आपको वुडलैंड वाली दे रहे उस पर वुडलैंड लिखा हुआ पेपर बैग पे तो वो पैसे नहीं ले सकते हाँ, अगर वो आपको रैंडम, ब्रांडिंग दे रहे, तो वो पैसे ले सकते हैं right? तो, तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे आर यू क्लियर कह रहा हूं सर उस बालक का क्या जो कल आपके कहने पे जाके लड़ आया है तो वो तो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा ये कंसेप्ट चलिए चलो 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 बहुत 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 सुंदर तो अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी थोड़ी देर और बात करूंगा मेरा लेक्चर कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता रहूंगा ठीक है रो? कुछ बेसिक्स बताता रहूंगा कल मैंने आपको

Is everyone here? कि यहां तक तो सब लोग है ना बेसिक्स की पांच पेजेस को ब्लैंक छोड़ देना राइट वहां पर क्या होगा मैं वन टू थ्री फोर करके पॉइंट लिखवाता अभी यू ऑल रिटर्न दिस बेसिक्स करके नीचे क्या आप सबने बेसिक्स के नीचे लिख रखा है जस्टेल मी येसार्ट लेक्चर जस्ट एलमी ये चलिए यस 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 इस पूरे बैच से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी यार ठीक है ना चलो वह एंड में बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा <laughs> अभी उसी के पीछे पड़ जाओगे आप दूसरा बेसिक पढ़ाना चाह रहा हूं आज मैं चलो, चलो 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 सुनो मेरी बात को बहुत अच्छे से दूसरा बेसिक पढ़ाना चाह रहा हूं ठीक है हम हमारे सिलेबस में बहुत सारे केस लॉस पढ़ने वाले तकरीबन दो सौ पचास केस लॉस में आपको पढ़ाने वाला हूं ठीक है ये एक पहला केस लॉ है जिसका मैं एक आइडिया ले रहा हूं ठीक है ना ये एक ऐसा केस लॉ जिसका मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप लोग एक आइडिया लेके रखें फोकस करना अच्छे से ठीक है अब मैं आपके जो कमेंट्स है ना वो एंड में लूंगा अब एंड में लूंगा मुझे दस पंद्रह मिनट कुछ बताना है वो बताने दो तो अच्छे से ये पहला केस लॉ इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा हुआ है सबसे पहले ये डेट है थर्टी नाइन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी तो वॉट इज दिस दिस इज द डेट ऑफ द जजमेंट दिस इज द डेट ऑफ द जजमेंट कि ये 39, 2020 का जजमेंट है मिस्टर पंकज कुमार मिश्रा मिश्रा जी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई एंड अदर्स अब मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं हंड्रेड परसेंट फोकस यहां पे चाहिए पर हंड्रेड परसेंट फोकस संभाल लो अपने आपको प्लीज एंड में आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा शुरुआत तो में मैंने हर एक बालक का आंसर दिया मुझे बीच में कुछ नहीं चाहिए अब मैं दस पंद्रह मिनट कुछ बताना चाह रहा हूं एंड में आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा फोकस यहां पे थर्टी नाइन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वट इज दिस डेट ऑफ जजमेंट मिस्टर पंकज कुमार मिश्रा एपिलेंट वर्सेस आर ओ सी मुंबई एंड अदर्स रेस्पोंडेंट पूरी क्लास का फोकस है ऐसी केस लोग का एग्जाम्पल ले रहा हूं पंकज कुमार मिश्रा जी वर्सेस आर मुंबई आरोही को जानते हो आरओसी को जानते हो कि नहीं जानते हो जी आरो को जानते हो कि नहीं जानते हो एग्जीक्यूटिव पूरा क्लियर कर आयो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो कि इंडिया में जगह 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 बनाई हुई है कुछ स्टेट में तो दो दो भी है कुछ स्टेट में तो दो दो आरोपी भी है बेस्ट इज महाराष्ट्र राइट स्टेट गॉड टू आरओसी जनरली एक स्टेट को एक ही आरोपी मिलता है ठीक है फोकस करना अच्छे से पंकज कुमार मिश्रा वर्स इज आरोसी मुंबई एंड अदर्स ये केस का नाम है तो हर एक केस का एक नाम होगा साइटेशन वगैरह क्या होता है यह मैं आपको सही टाइम पे बताऊंगा फोकस करना अच्छे से पंकज कुमार मिश्रा वर्सेस आर ओसी मुंबई एन वहीं पे ऐसा लिखा हुआ है दीज आर एंड दीज आर, आर रिस्पॉन्डेंट्स सही बात है ये लिखा हुआ था इसके अलावा पे कुछ और भी लिखा है एनसीएल मतलब no. मतलब कंपनी अपील मतलब ए अपील नंबर 121 ठीक है ये बड़ी बात नहीं है जस्टिस जरद कुमार जैन मेंबर जुडिशियल मेंबर बलविंदर सिंह मेंबर टेक्निकल मेंबर सर ये सब कुछ काम का क्या कुछ काम नहीं कुछ काम का है सर डेट ऑफ जजमेंट कुछ काम का क्या कुछ काम नहीं तो ये सब लिखा जरूर होगा बट ये आपके काम का नहीं है ना आपको जज का नाम याद रखना है देखो सर जस्टिस के नाम याद नहीं रखने का नहीं 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 सर ओपन बुक एग्जाम में लिखेंगे इस जस्टिस जस्टिस ने दिया था कोई फर्क नहीं पड़ता है है लुक एंड टेल यू आर केस लॉज जिसमें का नाम काम आता है, वो कौन से लैंडमार्क केसेज होते हैं कुछ आलिए कुछ लैंडमार्क केसेस है तो उसमें ये कुछ जस्टिस का हम नाम ध्यान रख लेते हैं हमारे 250 केसेस में एक भी ऐसा केस है जिसमें आपको जजेस के नाम ध्यान रखना है तो भले ही आपको दे रखे हैं जस्टिस के नाम बट आपके कुछ काम के नहीं ठीक है सर ये अपील नंबर दिस ऑफ दिस ईयर कुछ काम का नहीं है तो ना डेट ना ईयर काम का है है ना ये काम का सर ये NCLAT काम का है ये काम का है का है ठीक है तो अब ये भी काम की चीज को मैंने आप लिया एनसीएल बस तो कोई भी केस देखेंगे तो हमारे काम की चीज ये है क्या जिस पार्टी ने केस फाइल किया पंकज कुमार मिश्रा वर्सेस

ऊपर नीचे कर सकता क्या इसको एग्जाम में अगर किसी केस का रेफरेंस देना है तो मैं ऊपर नीचे कर सकता क्या मुझे बताओ कि एग्जाम में मैं ऐसा लिख दूंगा तो चलेगा क्या मुंबई पंकज कुमार मिश्रा जैसे कि जैसे कि बताता हूं ना, जैसे कि हम लोग डब्ल्यू देखते हैं हम लोग देख रहे हैं अंडरटेकर टेकर वर्सेज ब्रॉकलेसनर तो उसको आप अंडरटेकर वर्सेज ब्रोकलेसनर भी बोल सकते हो ब्रॉकलेसनर वर्सेस अंडरटेकर भी बोल सकते हो मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है क्या

This is the person, person who has filed the case or appeal.

मैं केस फाइल कर देता हूं झील यश गरिमा और सपना के अगेंस्ट कि इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया मैं मेंटली ट्रॉमा में आ चुका हूं अगेंस्ट so, झील यश गरिमा एंड सपना आई वोट फाइल अ केस अगेंस्ट झील यश गरिमा एंड सपना तो मैं जब केस फाइल करूंगा वो ऐसा लिखा जाएगा शुभम सुखलेचा वर्सेस झील एंड अदर्स आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तो वो केस ऐसा लिखा जाएगा शुभम सुक्लेचा वर्सेस झील एंड अदर्स तो जब मल्टीपल लोगों के अपील फाइल होती है मल्टीपल लोग रेस्पोंडेंट होते हैं तो उसके सबका नाम नहीं लिखा जाता है उस केस के अंदर पे लिखा जाता है पंकज कुमार मिश्रा वर्सेस आरओसी मुंबई एंड अदर्स एंड अदर्स का मतलब है यहां पे मल्टीपल रेस्पोंडेंट्स मोर देन वन

वर्सेस झील एंड अनदर मैं जिस पॉइंट में उस पर फोकस करूं झील अभी मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं अभी वहां तक तो, तो पहुंचा ही नहीं है जो आप पूछ हो मैं मुझे अगर दो लोगों के झील एंड अनदर झील और यश के के केस है शुभम सुक्चा वर्सेस झील एंड अनदर वही फाइल झील यश गरिंग सपना टू बी शुभम सुकलेचा वर्सेस झील एंड अदरस और फिर नीचे केस में सबके नाम लिखे होंगे I guess this is clear, कि किसी भी केस में and another गए, मतलब एक और है 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 दो respondent है, and others लिखा है, मतलब multiple respondent है, फिर कोई limit नहीं है। clear है? Clear है? अब उस केस के अंदर जाते हैं तो others में सबका नाम लिखा होता है रिस्पॉन्ड नंबर वन टू थ्री फोर सबका नाम लिखा होता है लेकिन जो केस का साइटेशन ऊपर बनता है ना केस का नाम उस केस के नाम में एक ही रिस्पॉन्ट का नाम आता है अदरवाइज मान लो दस लोगों के केस की के तो क्या इतना बड़ा केस का नाम हो जाएगा क्या तो सबका नाम उस केस में जरूर लिखा होता है लेकिन ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम होता है आई होप ये क्लियर कि जब भी आप कोई भी केस देखोगे मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि आप इतने सारे केस देखने वाले ना तो ये देखो ये पहले केस में एंड अदर्स है तो एंड अदर्स का मतलब हो गया दैट यहां पर क्या है मल्टीपल रेस्पोंडेंट्स एंड अदर्स हो गया सेकेंड केस में भी मतलब मल्टीपल रेस्पोंडेंट्स है ये देखो, ये देखो 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 यहां पे क्या लिखा है एंड अनदर मतलब एक और रेस्पोंडेंट है मतलब यहां पे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड अनदर एक और रेस्पोंडेंट है एक और रेस्पोंडेंट क्लियर है क्या हम लोग यहां पे तो एक और रेस्पोंडेंट यहां पे एंड अनदर या फिर एंड अदर्स कहीं पे मिलेगा तो क्या हर एक बच्चे को उसका डिफरेंस क्लियर हो चुका है क्या क्लियर है हम लोग क्लियर एम लोप ये सनीमा हंड्रेड परसेंट चलो 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 यस पीपल तो ये पहली चीज हुई फिर नीचे आर ओसी मुंबई एंड अनदर तो ये वर्सेस में नीचे जिनका नाम लिखा होता है पूरा पर्सन और पर्सन अगेंस्ट हूं केस और अपील फाइल जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है उसका नाम नीचे आता है क्लियर है हम लोग बहुत ईजी सी बात है ठीक तो है ठीक है फोकस करना है। सर एनसीएल सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म तो मुझे क्लास में कोई भी बच्चा इसको नहीं पता होगा ठीक है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल तो यहां पर हम क्या लिखते हैं हम यहां पर लिखते हैं उस कोर्ट का नाम उस ट्रिब्यूनल का नाम जहां पे केस हैंडल किया जाए जहां पे केस फाइल किया जाए ओके okay? तो जिस भी अथॉरिटी जिस भी ट्रिब्यूनल जिस भी कोर्ट के पास में वो केस फाइल किया गया है जो वो ऑर्डर पास कर रहे हैं हम जजमेंट पढ़ रहे हैं ये जजमेंट किसने पास किया है? तो ये जजमेंट जिसने पास किया उसका नाम यहां पे लिखा जाता है तो हाई कोर्ट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हो सकता है एनसीएलएटी हो सकता है आपको धीरे धीरे केसेस देखते जाओगे के मिलता रहेगा वहां पर हम पढ़ रहे हैं कि हम जजमेंट किसका पढ़ रहे हो कौन से कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे क्लियर है तो यहां पर होता है जजमेंट इज बीन पास पास किया है उसका नाम यहां पे लिखा होता है तो जो पहला केस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा वो क्या होगा पंकज कुमार मिश्रा जी हैज फाइल्ड केस और अपील अगेंस्ट आर ओसी मुंबई एंड अदर्स राइट एंड ये ऑर्डर किसके पास है एनसीएल तो ये केस फाइल किया था एनसीएलएटी के पास तो एनसीएल यहां पे अपना ऑर्डर दे रहा है वो ऑर्डर हमारे सिलेबस में आएगा वो ऑर्डर हमारे सिलेबस में आएगा आर वी क्लियर कोई भी केस देखोगे ये कुछ चीजें देखोगे सब समझ जाओगे ऊपर वाली चीज का नाम किसका आता है जिस व्यक्ति ने फाइल किया है वर्सेस जिसके अगेंस्ट फाइल हुआ है क्लियर है और उधर ब्रैकेट में अथॉरिटी का नाम जिस अथॉरिटी के पास हम गए हैं जिस कोर्ट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया वेरी कंफर्टेबल कोई परेशानी की बात ही नहीं है मुझे बोलो कोई परेशानी की बात है क्या एवरीथिंग इज वेरी कंफर्टेबल राइट चल वेरी बेसिक वेरी बेसिक थिंग मैं कोई केस तो दिखाऊंगा तो कोई बच्चा ऐसा ना देखे सर ई का है तो एक बेसिक चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं ठीक है तो ये सेकेंड बेसिक्स है आपको लिखवा जरूर दूंगा रुको उसके बाद में थर्ड चीज अंडरस्टैंड वेरी लीगल हायरार लीगल हायरार भी आप सबने आंसर करना जरूरी है आप सबने लीगल हायरार भी समझना बहुत जरूरी है लीगल हायरार क्या होती है कि कोई भी केस इंडिया में कैसे जाता है कोई भी केस इंडिया में कैसे ऊपर चढ़ता है इंडिया में नॉर्मली केसेस की अगर मैं बात करूं तो लीगल हायर लीगल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि आप कौन से लॉ में केस फाइल कर रहे हो ठीक है मैं अगर आपको जनरल पढ़ाने की कोशिश करूं जनरल मतलब आईपीसी वगैरह की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल अगर मैं आपको कहने की कोशिश करूं तो जनरली कैसा होता है इंडिया में

मुझे अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है नहीं मैं इसमें डिटेल में, में जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट सब हमारे काम का नहीं है, इनके से से नहीं है। तो इसके ऊपर अथॉरिटी आती है हाईकोर्ट इनके ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं यू कैन फाइल एन अपील टू हाईकोर्ट अगर आप हाईकोर्ट के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं यू कैन फाइल एन अपील टू

ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट है उसके ऊपर हाई कोर्ट उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सही बात है लेकिन हम एज कॉर्पोरेट लॉयर हमारे काम का मोस्टली रहता है कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर्स रिलेटेड मैटर्स रिलेटेड मैटर्स में यह तो जनरल बता दिया अब मैं आ रहा हूं अंडर कंपनी लॉ आप बच्चे मुझे बताओ हाइआर की क्या है कंपनी लॉ में सिर्फ दो हरार की आज पढ़ाऊंगा बाकी तो सब चीजें आपको धीरे धीरे चैप्टर में जाएंगे दो हर की ऐसी है जो आप बच्चे एग्जीक्यूटिव में पढ़कर आए हो तो ये आपको अगर याद है तो अच्छी बात है नहीं तो मैं रिवाइज करा दूंगा वट इज दायर आर अंडर कंपनी लॉ टेलमी वट इज दायर आर की कंपनी लॉ हायर का मतलब सब लोग समझते ना स्ट्रक्चर क्या लीगल स्ट्रक्चर की किससे अपील किसके पास जाती है इज अंडर कंपनी लॉ ब्यूटीफुल 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 अंडरस्टैंड वेरी द जनरल हेरार गिवन गिवेन इज एनसीएल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के कंपनी लॉ का कोई भी केस है तो वो एनसीएलटी में जाएगा अगर आप एनसीएलटी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जाएगा एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ एपिल्रिब्यूनल तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ऊपर वाला केस हम पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे तब हम वहां पे क्या पढ़ेंगे कि यहां पर एनसीएल मतलब कहीं ना कहीं एनसीएल ने ने किया होगा ने पहले एनसीएल किया ऑर्डर से खुश नहीं होंगे तो वो अपील लेकर आए हैं एनसीएल तो वो अपील लेकर आए हैं एनसीएल जब मैं धीरे धीरे आगे आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा इसी कारण से इनको क्या बोलते हैं एपेल

जिन्होंने स्ट्रक्चर टाइप करके भेजा था कुछ बच्चों ने गलत बताया एनसीएल से अपील कहा जाती है टेलनी अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली अगर मैं जनरल हायरार की बात करता हूं ना तो यहां पर अंडर कंपनी लॉ नॉर्मल सर्कमस्टांज में लॉ ये कहता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में लॉ ये कहता है कि एनसीएलटी से यू कैन एक्चुअली फाइल अपील डायरेक्टली टू

सेबी के ऊपर कौन और सैट से सीधी अपील कहां जा सकती है सैट से सीधी अपील कहां जा सकती है सैट से सीधी अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में तो अब यहां पे आपने पढ़ा होगा मैं उतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूं दैट सेबी और इट्स एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर या फिर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर के ऑर्डर ऑफिसर के पास। के 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 ऑर्डर ऑर्डर अगेंस्ट अगेंस्ट या फिर इवन स्टॉक एक्सचेंजेस के के सीधे अपील में जा सकती है आपको शायद एग्जीक्यूटिव का कुछ याद आ रहा होगा लेकिन ये तो मैं मान के चलता हूं कि आप बच्चों को इतना तो कम से कम दिमाग में याद रखना ईजी रहेगा कि जनरल लॉ तो ये है जनरल लॉ हमारे काम का नहीं है तो सर बताया क्यों ताकि आपको समझ में आए कंपनी लॉ हर एक काम का है सिक्योरिटीज लॉ हर एक बच्चे के काम का तो दिस इज लीगल हायर दिस इज लीगल सो हाउ इट इज़ अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अगर आप बच्चों को ये समझ में आया हो तो मैं एक अच्छी बात बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है कैसा होता है सिंपल है हमारे काम का रहेगा कंपनी लॉ लॉ देखो हमारे सिलेबस में बहुत सारे केस लॉज हैं तो जो कंपनी लॉ केस लॉज हैं उसमें ये हैर की क्लियर होगी जो सिक्योरिटीज लॉ केस लॉज की

पहले स्क्रीन पे देखो समझ में आ रहा है तो यस बोलो सब लोग यस बोलो नहीं नहीं आलस नहीं चलेगा मेरे लेक्चर के अंदर बैठे हैं और कुछ आने नहीं बोल रहे अब एक डिफिकल्टी बात बताता हूं सब अच्छे यस बोल रहे हैं तो एक डिफिकल्टी बात बताता हूं एक होता है यारो ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन और एक होता है यारो एपलेट जुरिस्टिक्शन

There is one thing known as original jurisdiction, and there is one thing known as appellate jurisdiction. There is something known as original jurisdiction, there is something known as appellate jurisdiction. I am waiting for your answers. तक वेट करेगा कोई बच्चा नहीं बता रहा होगा मैं बताऊंगा वेरी गुड गरिमा वेरी गुड सोनू वेरी गुड झील रहे हैं अभी तक सब बच्चे वेरी गुड वेरी गुड यही तो आनंद आता है मुझे प्रोफेशनल के बैच में एग्जीक्यूटिव के बच्चे यहां पर मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मैं बता। मैं मतलब सोच भी नहीं सकता मैं कह रहा हूं मैं सोच भी नहीं सकता चलो अच्छा चलो आ जाओ बहुत सही बात कह रहे हैं आपका आप बच्चों का कहना है कि सर ये जो है ये जो इनिशियली केस जहां पे फाइल होता है इनिशियली केस जहां पे फाइल होता है दीज आर कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुरिस्ट्रिक्शन

हम अपील लेके जाते हैं उनके ऑर्डर से भी खुश नहीं है। हम हायर अपील लेके जाते हैं हम अपील लेके जाते हैं उनके ऑर्डर से भी खुश नहीं है हायर अपील लेके जाते हैं तो जहां पे हम हायर अपील लेके जाते हैं उसे हम बोल सकते हैं कोर्ट्स ऑफ एपलेट जोरिस्ट्रिक्शन सब बच्चों को समझा गया

बट अगर आप बच्चों को समझ में आए तो उस लाइन को आप खुद से इंटरप्रेट कर पाओगे यू हैव टू इंटरप्रेट दैट लाइन बाई ऑसल अदरवाइज आई टू एक्सप्लेन इट सुना सुना एक लाइन लिख रहा हूँ बहुत केयरफुल समझना देखते हैं आपको समझ में आता है क्या I'm really sorry for the noise.

ये पूरा जो बेसिक्स का पेज है ना ये सब मुझे आपको पेन डाउन भी करवाना है लेकिन आज नहीं ये भी अगले लेक्चर में मैं करवा दूंगा तो मस्ती से रहो ठीक है ना तो आई थिंक आई होप सबसे पहले ये बेसिक पढ़ाने की कोशिश की थी आपको कि कि होना चाहिए केस कौन फाइल करता है किसके अगेंस्ट फाइल होता है यहां पे अथॉरिटी वगैरह आती है ये सब भी मैं आपको पेन डाउन करूंगा बेसिक्स में इसी के लिए मैंने आपके पांच पेज यहां पर पे तो बेसिक्स लिख के पांच पेज छोड़ देना ठीक है वहां पांच पेज पे हम लोग ये सारी चीजें लिखते रहेंगे कुछ और लिखवाना होगा तो उसके अलग ये पांच पेजेस आर फॉर बेसिक्स ओनली फाइव पेजेस आर फॉर बेसिक्स ओनली चलो लीगल स्ट्रक्चर पूरे सारी चीजें देख ली थी जस्ट नो योर बैच वर्स रिमेनिंग आज चूंकि लास्ट लेक्चर आपका यूट्यूब पे तो यह हल्की सी मैं बात यहां पर कर लेता हूं एंड उसके बाद में वील रैप ऑफ द लेक्चर और अगला लेक्चर जो थर्सडे हो को होगा उसके अंदर तो हम धमाकेदार तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे बैच में आपको वैसे ज्यादा बताने की जरूरत मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या होगा वी विल कवर ऑल द केस लॉज इन द मॉड्यूल बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स आज के सर जो मॉड्यूल में आप मेंसेंट कवर कराएंगे या फिर कुछ आप हमें पढ़ने के लिए भी दे देंगे कि ये तो तुम पढ़ लो हंड्रेड कवरिंग इन द क्लास तो कोई डाउट ही नहीं पूरा मॉड्यूल आपका क्लास में कवर होगा फॉर सी प्रोफेशनल प्रोफेशनल सब्जेक्ट कोई डाउट ही नहीं है इसमें वन इफ आईसीएसआई अनाउंज एनी एडिशनल केस लॉस दो कवर्ड बाई एस अगर आईसीएसआई ने लास्ट मोमेंट पे कुछ एडिशनल केस लॉस बता दिया अब ये आपको लास्ट अटेम्प्ट के बच्चे बहुत अच्छे से बताएंगे कि उनके लिए तो एग्जाम के एकदम केसेस बता दिए थे तो जब भी ऐसे अगर कोई एडिशनल केसेस भी बता देगा तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि एडिशनल केसेस के नोट्स और लेक्चर्स आप तक पहुंचाऊंगा क्लियर है तो एडिशनल केसेस अगर आ गए वैसे तो सारे केसेस मॉडल की कवर कर दूंगा अगर हमारे बैच खत्म होने के बाद और आपके एग्जाम के पहले एडिशनल केसेस आ गए तो क्या होगा वो भी मैं कवर करूंगा सारे केसेस नोट्स वगैरह और वो सब भी आप तक पहुंचाऊंगा क्लियर है कैसे पहुंचाऊंगा तो आप समझिए बहुत सारे बट एक यूट्यूब जो है वो तो आप करके रखिए तो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब दो चैनल एक Inspire Academy, एक शुभम दोनों को subscribe करके रखो और इंस्टाग्राम इज कि जब भी मैं रखूंगा तो वहाँ पे पोस्ट भी कर दूंगा तो सब जगह पर अगर आप करें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है ठीक है विल बी कवरिंग बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस टू हैंडल स्टडी क्वेश्चन कैसे ना उसके लिए हमारे मॉड्यूल में एक ही चैप्टर है तो वो एक चैप्टर पढ़ के एग्जाम में फोर्टी मार्क्स आना है इसके हम एक अलग टाइप की पूरी प्रैक्टिस करते हैं आपको वर्क बुक दी है पूरी अलग बुक आएगी आपको वर्क बुक और उस बुक में जो भी है हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम वो भी हैंडल कर पाए द थर्ड थिंग इन द बैच नेक्स्ट वी विल प्रैक्टिस पेपर विद स्ट्रिक्ट टाइमिंग विद ट्रू एग्जाम फील मतलब आपका टाइमर लगा के के मैं सॉल्व सॉल्व आप पिछले बैच बच्चों से पूछोगे कैसे होता है तो टाइमर लगा के सॉल्व होता है जिससे कि आपको एग्जाम का फील है बिकॉज ओपन बुक एग्जाम में इट इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग द करेक्ट आंसर इट इज अबाउट फाइंडिंग द आंसर एज सुन एज पॉसिबल एंड राइटिंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है तो फाइंडिंग द आंसर इन द बेस्ट बेस्टिबल मैनर एंड राइटिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे तो यह हम टाइमर के साथ करेंगे ताकि हमें क्लियर होता है कि एग्जाम में कितना समय मिलने वाला है तो दैट इज्सो समथिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो बेटर तरीके से आपको समझेगा उसके बाद आप लोग ढूंढ सकते हैं है। तो मैं आपको ढूंढना है कि यह क्वेश्चन है और सब बच्चे क्विज तो करते हम ताकि जिसने सबसे पहले दिया है बैंगो दर्स प्राइस का ऑब्जेक्टिव नहीं है एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आएगा आपके ढाई सौ केस लॉस है आपको राइट right, कि कितना जल्दी आप एप्लीकेबल केस था ढूंढ पा रहे तो वो भी हम लोग कंडक्ट करते हैं एंड ये तो आपको बताइए टाइम टाइम टू बूस्टर शॉट्स टू गेट द करेक्ट गाइडेंस फ्रॉम रैंकर्स टाइम टू टाइम बूस्टर शॉट्स आते रहेंगे जिसमें रैंकर्स आपको गाइड करते रहेंगे किस तरह से बेस्ट पॉसिबल तरीके से पढ़ाई करनी है तो टाइम टू टाइम आते रहेंगे वो अपने बैच के अंदर एंड टाइम टू टाइम चिल शर्ट्स टू गेट यू गोइंग कभी कभी आपको थोड़ा सा कैसा है मुझे ल, मतलब बहुत सारे बच्चों को लगेगा ऐसा चिल किस की कोई जरूरत नहीं क्यों इंट्रोड्यूस कर करो ट्रस्ट मी ऑन दैट जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा एग्जीक्यूटिव याद करो ना

I guess given everything. Everything, 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 everything. मैंने सब कम्युनिकेट कर दी। ओके okay, बता ली। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको उस प्रकार से भी कम्युनिकेट करेंगे कोई भी चीज़ हमारे अगर आपको बतानी होगी तो हम लोग बताते रहेंगे हमारे ऐप पे मजेदार तरीके से मिलेंगे okay? Okay, 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 okay. Yes, सब इस प्रकार से होता है ड्राइविंग के बच्चे सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो आप टेंशन Okay Yes, 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 तो, आपसे बात नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि दो तीन दिन में मतलब हम लोग थोड़ा सा और नॉर्मल बात कर लें मेरा आपसे सिंपल सा रिक्वेस्ट है आप लोग फोकस करो गेट योर डिसीजन डन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग एंड स्टार्ट स्टार्टिंग थर्सडे से बिल्कुल भी डिले करना नहीं है राइट जून ट्वेंटी के लिए अलग